तो कैसी है हमारी डीप लाइफ फैमिली। मैं हूं आपका डीप लाइफ एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ डीप लाइफ कस्टम्स। तो आज हम लोग हैं हमारे नए सेटअप में। तो हमारा ये नया सेटअप आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताना। वैसे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं हूँ डीप लाइफ एंड आई मेक अ लॉट ऑफ कंटेंट रिलेटेड टू कस्टम्स, रिलेटेड टू आर्ट, DIY। तो अगर आपको ऐसा सारा कंटेंट पसंद है तो ज़रूर अपने आँखों से लेज़र बीम छोड़िए और वो लाइक बटन है ना उसको ब्लू कर दीजिए। और जैसे सुपरमैन की चड्डी लाल होती है वैसे ही उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पे अपना सुपर पंच मार दीजिए और घंटी को भी छोड़ना मत भूलना। तो आज की कस्टम वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ जो थोड़ी डरावनी है। तो ये कहानी है बैटमैन के बारे में। लाइफ में ऐसे होता है कि हमें दो डिसीजंस लेने पड़ते हैं और दोनों ही डिसीजन सही होते हैं। तो जब भी आप दूसरा डिसीजन लेते हो तो जो पहला डिसीजन था उसका एक मल्टीवर्स चालू हो जाता है, उससे कहानी शुरू हो जाती है। तो वैसे ही DC और मार्वल में भी मल्टीपल यूनिवर्सेस है। तो इस मल्टीपल यूनिवर्स में अर्थ -22 पे जो घटना घटी उसके बारे में मैं आपको बता दूं तो हमेशा की तरह बैटमैन और जोकर की लड़ाई चल रही थी, पर इस बार जो इविल जोकर है उसने क्या किया, जो बच्चे थे उनके माँ बाप को मार डाला। और आपको पता है बैटमैन की भी कहानी कुछ ऐसी है, बैटमैन भी ऐसे ही बचपन में अनाथ हो गया था, उसके वजह से बैटमैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने जोकर का गला लिया और टक करके तोड़ दिया। वैसे बैटमैन का ये रूल है कि वो कभी किसी की जान नहीं लेता, पर इस बार वो जोकर से फ्रस्ट्रेट होके उसने जोकर का खेल खत्म कर दिया। पर जब जोकर मरा तो उसके दिल से एक गंदा सा टॉक्सिन रिलीज हुआ जो बैटमैन ने सूंघ लिया और उसके वजह से बैटमैन की दिमागी हालत भी खराब होने लग गई। और जो सारे बच्चे थे जिनके माँ बाप को जोकर ने मार दिया, जोकर ने उन्हें भी टॉक्सिन पिला दी थी। एंड उसके वजह से क्या हुआ कि बच्चे भी रैबिड होने लग गए, गुस्सैल होने लगे, इन्फेक्ट होने लग गए। और ये बात जब सुपरमैन को पता चली तो सुपरमैन ने ये बैटमैन को बताई और बैटमैन इस बात पे हंस दिया। तभी सुपरमैन को शक आया कि बैटमैन का भी दिमागी संतुलन हिल गया है। नेक्स्ट दिन बैटमैन ने अपने हस्तकों को बुलाया, वही रॉबिन वो सारे, और सबको अचानक से मार दिया, मशीन गन निकाल के मार दिया। बैटमैन बहुत ही होशियार है गाइज, उसको जस्टिस लीग के हर एक हीरो की वीकनेस पता है। और ऐसे कर करके बैटमैन ने स्लोली स्लोली करके सारी जस्टिस लीग को मार दिया। तो ये कहानी थी उस डरावने बैटमैन की जिसे कहते हैं द बैटमैन हु लाफ्स। वैसे जोकर तो पागल है, हमेशा हंसता रहता है, पर जब भी बैटमैन हंसने लग जाए तो समझ लेना दोस्तों कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो गाइज आज के एपिसोड में हम लोग बनाने वाले हैं द बैटमैन हु लाफ्स। इसीलिए मैंने आपको थोड़ी बैक स्टोरी बता दी क्योंकि ये बैटमैन बहुत ज्यादा अभी ट्रेंड में है, आपको पता नहीं रहेगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ गाइज। तो आज हम लोग ये कस्टमाइजेशन बनाने वाले हैं एक लैपटॉप पे, एक बड़ा सा कैनवस हमें मिल जाएगा ये कस्टमाइजेशन बनाने के लिए। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम अभी जाते हैं मेरी ड्रॉइंग टेबल पे और शुरू करते हैं ये कस्टमाइजेशन। हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा एक जादुई सैंड पेपर जिससे घिसके इसके ऊपर पेंट आसानी से चिपकेगा। थोड़ा एसीटोन भी लगाते हैं रुई से ताकि इसके ऊपर जो फैक्ट्री फिनिश है वो निकल जाए और हम लोग को और ज्यादा आसानी हो इसे पेंट करने में। गाइस पेंटिंग के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ स्प्रे पेंट्स, और स्प्रे पेंट से मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक ऐसा बेस लेयर बना दूँ जिससे जो फाइनल ड्राइंग है उसका एक बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली बन जाए। तो मैं वैसे ही कलर्स सिलेक्ट करता हूँ। प्राइमर रेड बहुत ही एक बढ़िया स्प्रे पेंट होता है और कैमो सीरीज का बीज इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, उससे हमारा बेस बन जाएगा। पेंसिल इस्तेमाल करने से गाइडलाइन मिल जाती है जिससे हमें फाइनल ड्राइंग करने में और थोड़ी आसानी होगी। जो मैंने पिछले वीडियोस अपलोड किए थे आपने देखा रहेगा, आई हैव बीन
एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट विद वाटर कलर्स, तो आज मैं जो स्टाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ एक्रेलिक पेंट्स के साथ वो थोड़ी वाटर कलर वाली है, तो थोड़े हम लोग डाइल्यूट लेयर्स के साथ खेलते जाएंगे और हम लोग स्लोली स्लोली मैं लेयर्स बिल्ड करने की कोशिश करूँगा। ओके गाइज, अभी मैं चुप बैठा हूँ, एंजॉय द परफॉर्मेंस, एंजॉय द आर्ट थेरेपी। पर गाइज, अब तक ये पेंटिंग फाइनल नहीं है, हमें इसे क्लियर कोट करना पड़ेगा। क्लियर कोट करने के बाद ये एकदम दगड़ जैसा परमानेंट हो जाएगा, कड़क कड़क हो जाएगा। सबसे पहले मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फ्लैट क्लियर। फ्लैट क्लियर से क्या होगा, एक अच्छी सी स्मूथ सरफेस बन जाएगी, और बाद में मैं यूज़ करूँगा जो नॉर्मल क्लियर है ग्लॉसी वाला वो। Now, enjoy the reveal! सो गाइज, हमारा कस्टम कुछ ऐसे बना है, आप देख सकते हो। इस पे थोड़ा ग्लेयर आ रहा है क्योंकि मैंने इसको ग्लॉसी फिनिश कर दी है। कितना खूखार है, मतलब इसके दांत कितने खराब है, ब्रश नहीं करता, शायद दो बार ब्रश करना चाहिए हमेशा। इस बैटमैन की एक खासियत है कि एक वाइजर पहनता है और इस वाइजर पे नुकीले नुकीले कांटे लगे होते हैं। इसकी स्किन आप देख सकते हो पूरी ग्रे कलर की पड़ गई है, जैसे कि ये कोई जॉम्बी जैसा हो। और जो इसके पूरे कपड़े और इसका जो स्टाइल है थोड़ा गॉथ इंस्पायर्ड है। ये वाला बैटमैन मुझे काफी पसंद है, बहुत ही ज्यादा अनोखा है। ये आर्टवर्क मैंने थोड़ा डिफरेंट फैशन में बनाया, आप देख सकते हो। थोड़ा कॉमिक बुक और रियलिज्म को कंबाइन करके मैंने एक अपनी स्टाइल में ये आर्टवर्क को एग्जीक्यूट किया है। तो आपको ये कैसे लगा जरूर हमें कमेंट करके बताओ। जो सारे डीसी और मार्वल के स्क्रिप्ट राइटर्स है बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, और ऐसी अलग अलग मल्टीपल स्टोरी लाइन्स है जो अब तक हम लोग ने मेन स्ट्रीम में देखी नहीं। तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा नए किस्म का बैटमैन आपको बताया, क्योंकि ये जो सारी ऑल्टरनेट स्टोरी लाइन्स है उसमें हमेशा हीरो की जीत नहीं होती। आप देख सकते हो हीरो ही विलन बन गया। तो अगर आप किसी इंसान को इतना ज्यादा परेशान करोगे
तो भाई वो विलन बन ही सकता है भले ही वो हीरो हो। ये जो अल्टरनेट स्टोरी लाइन्स है बहुत ज़्यादा डार्क है, किड्स फ्रेंडली तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए मे बी हम लोग ये मेन स्ट्रीम में देख नहीं पाते, पर ये स्टोरी लाइन्स गाइज बहुत ही ज़्यादा कूल होती है। अभी गाइज हमेशा लाइफ में बैटमैन की तरह बनना, बैटमैन के पास इतना ज़्यादा दिमाग है, इतना ज़्यादा इंटेलेक्ट है, इसलिए वो भगवान जैसे सुपर हीरो सुपरमैन से भी लड़ पाता है। कोई भी चीज़ इंसान के लिए इम्पॉसिबल नहीं है, ये हमें बैटमैन बताता है। मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेके फाइटिंग सीख गया और उसके दिमाग से बड़े बड़े सुपर विलन्स को डिफीट कर देता है। तो इस वीडियो में एक छोटी सी सीक्रेट थी जो उड़ रही थी, मुझे पता नहीं आपने नोटिस किया नहीं, अगर आपने की तो ज़रूर टाइम स्टैम्प के साथ नीचे कमेंट कर देना। अगर आप एक कोई बड़ा ब्रांड हो या अगर आपको डीप लाइफ से कुछ कहना है तो आप यहाँ पर मुझे DM कर सकते हो, दिस इज माई इंस्टाग्राम अकाउंट, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल ID पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वेल गाइज, ये वीडियो ज़रूर अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जिन्हें बैटमैन और DC यूनिवर्स पसंद है और जिनको आर्ट पसंद है। वेल गाइज, दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। मैं हूँ डीप लाइफ और मैं आपसे मिलता ही रहूँगा ऐसे ही ज़बरदस्त कस्टम वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जाइए, कोई आर्ट वर्क बनाइए एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव। सो वेल, शूट खत्म हो गया था, मैं जा रहा था, सिर्फ ब्लू लाइट्स ऑन थी एंड आई नोटिस्ड वन सरप्राइजिंग थिंग। देख सकते हो द नियॉन ग्लोज इन ब्लैक लाइट।